अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अभी है सुबह सुबह का टाइम, अभी हमने नाश्ता वगैरह करना है और उसके बाद आज हमारा प्रोग्राम बन रहा था बाजी की तरफ जाने का, मेरी बड़ी नंद की तरफ जाने का, क्योंकि अब्बू जी कह रहे थे कि आज थोड़ी सी आउटिंग कराते हैं। हमने कहा चले ठीक है। तो अभी रेडी शेडी होंगे और अब्बू जी के साथ हम लोग वहाँ जा रहे हैं और मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। और आज मैंने सोचा कि बाजी से कहूँगी कि कुकिंग रेंज में जो है ना वो केक बनाना सिखाएं, क्योंकि आप लोगों की भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपके पास कुकिंग रेंज था, आपने हमें सिखाया नहीं। आप लोग अक्सर कहते थे कि हमें केक बनाना कुकिंग रेंज में नहीं सिखाया ना, जो गैस वाला ओवन होता है। तो मैंने सोचा आज बाजी से वो वाला भी सीखेंगे और इसके अलावा आपके साथ भी मैं शेयर करूंगी। और इसके अलावा इस व्लॉग के एंड पे मैं आपके साथ एक ट्रेजिक स्टोरी भी शेयर करूंगी, वो भी आपने जरूर देखनी है। व्लॉग को फुल देख लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो अभी हम लोग जा रहे हैं उधर बाजी की तरफ अब्बू को लेके। और आज बहुत सारे काम भी करने वाले हैं। हम लोगों ने डॉक्टर को भी चेक करवाना था, मैंने अपनी आई साइट चेक करवानी थी, अभिया का चेकअप करवाना था, और इसके अलावा अभिया का स्टमक सही नहीं रहता तो उसको चेक करवाना था, और इसके अलावा कपड़े भी सिलाई होने के लिए देने थे क्योंकि आगे ईद आ रही है ना, तो थोड़े से ही दिन रह गए हैं। तो हम लोगों ने कहा कि स्टिच होने के लिए दे देते हैं। मैंने अपने सूट देने हैं, अभिया के देने हैं जो मैंने लिए हैं, और इसके अलावा अब्बू जी का एक सूट है और अभिया के बाबा का एक सूट है। तो हम लोगों ने कहा कि आज सारे काम ख़त्म करके ही हम लोगों ने वापस आना है। तो खैर अब्बू जी को हम वहाँ बाजी की तरफ छोड़ेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे टेलर के पास। तो ये टेलर जहाँ पे मैं जा रही हूँ ना कपड़े देने के लिए, ये टेलर मेरी छोटी भाभी का टेलर है, मतलब भाभी वहाँ से स्टिच करवाती हैं अपने कपड़े। तो मैंने कहा चले मैं उसी से ही करवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भाभी के कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बहुत अच्छी स्टिचिंग हुई होती है। तो खाने वाले में मैंने कहा आप जहाँ से सिलवाती हैं ना मैं भी वहीं से सिलवाऊँगी। फिर उनसे मैंने एड्रेस वगैरह लिया और फिर वहाँ पर अभी जा रहे हैं। तो खैर टेलर की शॉप पे हम लोग आ गए थे, तो यहाँ पे भी मैंने अपने दोनों ड्रेस जो है वो स्टिच होने के लिए दे दिए थे, और एक वो जो लाइमलाइट से मैंने लिया था और एक वो जो भाभी ने गिफ्ट दिया था मुझे, ये दोनों ड्रेस फिर मैंने दे दिए स्टिच होने के लिए। और इसके अलावा मैंने बता दिया कि दुपट्टे पे क्या डिज़ाइनिंग करनी है, इधर उधर जो भी डिज़ाइनिंग थी। तो टोटल बिल जो है ना डिज़ाइनिंग वगैरह डाल के 4200 बना था, दो सूटों की सिलाई का भी और बीच में लेस और इसके अलावा टसल्स और जो जो मैंने चीज़ें करवाई थी वो सारा डाल के। तो खैर जब स्टिच हो जाएंगे ना फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो खैर उसके बाद ना हमें काफ़ी भूख लगी हुई थी, तो हम लोग खाना खाने आ गए थे। ये ना हस्बैंड के फ्रेंड के जानने वाले ही हैं जिनका यहाँ पर रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट का नाम तो मुझे भूल गया, पता नहीं क्या था। तो यहाँ पे कह रहे थे कि फ़र्स्ट टाइम ना ट्राई करते हैं इनका खाना किस तरह का है। तो हमने एक कढ़ाई मंगवा ली थी हाफ़, और साथ में फ्राइड राइस अबीहा के लिए, अबीहा राइस शौक से खाती है ज़रा, तो फ्राइड राइस उसके लिए मंगवा लिए थे, लेकिन खाना काफ़ी ज़्यादा था। तो इनकी कढ़ाई तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, फ़र्स्ट टाइम हम लोग खाने वाले में ना खाना बाहर से ट्राई कर रहे थे, और लेकिन चावल थोड़े स्पाइसी थे, मसाला फ्राइड राइस जैसे होते ना वैसे थे, लेकिन कढ़ाई बहुत ज़्यादा मज़े की थी। तो हमने कहा चले नेक्स्ट टाइम फिर हम ना इनकी कोई और डिश जो है वो ट्राई करेंगे। तो यहाँ से फ्री होकर फिर हमने बाजी की तरफ वापस जाना था और केक भी बनाना था, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैं आपके बाजी से कहूँगी कि आपको बनाना सिखाएंगे कुकिंग रेंज के अंदर केक जो है ना वो कैसे बेक करते हैं। तो खैर उधर जाएंगे फिर शाम को, फिर हम लोग ने घर वापस भी जाना है, हमारा एक दिन का ही टूर है, आउटिंग जो है ना वो एक दिन की है। तो ये देखिए मैं आगे बैठी हुई हूँ, अक्सर मुझे ना कॉमेंट्स में आप लोग कहते हैं कि आप पीछे क्यों बैठती हैं, आप आगे क्यों नहीं बैठती, तो ये देख ले मैं आगे बैठ गई हूँ। तो ऐसा होता है कि कभी अभिया बैठ जाती है, कभी मैं बैठ जाती हूँ, अभिया दरअसल मेरे साथ आगे बैठती है, फिर मुझे ना तंग होती हूँ, मैं ऐसे कहती हूँ अभिया आप ना पीछे बैठ जाओ या फिर मुझे अकेला आगे बैठने दो। तो जब ये ज़िद्दी हो जाती है ना तो फिर मैं इसको कहती हूँ चलो आप ही बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाऊँ, तो पीछे बैठना ज़्यादा ईजी लगता है मुझे। तो बाजी की तरफ आ गए थे, तो मैंने फिर अपने बहन जैसे कहा था, मैंने कहा बल्ब लगा दो, यहाँ पे ना लाइटिंग का इशू है बाजी के किचन में ना, मतलब आम नॉर्मल घरों में तो कम ही लाइट होती है, कौन सा वो वीडियोस बनाते हैं, तो मैंने वीडियो बनानी होती इसलिए फिर मैं बल्ब दो ले गई थी और वो मैंने दोनों लगवा दिए थे। मैंने कहा अब ये बल्ब इधर ही लगे रहेंगे, जब भी मैं आया करूँगी ना मैं शूटिंग कर लिया करूँगी। तो खैर चले बनाना शुरू करते हैं केक। बाजी ने अपना बीटर वगैरह निकाल लिया है और स्केल भी निकाल लिया है और चीनी को पीस लिया है। तो चीनी बाजी यहाँ पे मेजर कर रही थी, मैं आपको ग्राम्स के हिसाब से ना सारी चीज़ें बताऊंगी। तो यहाँ पे एक कप जो है ना वो हमने चीनी का लिया, एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 210 ग्राम्स है, 210 ग्राम चीनी हमने पाउडर लिया है यहाँ पे, और इतना ही हमने ऑयल लेना है। ऑयल को दो दफ़ा नाप लिया था क्योंकि चीनी तो ऊपर आ गई थी, लेकिन ऑयल को हमने दो दफ़ा मापा तो उसकी मेजर की, पहले 173 फिर बाकी जो रह गया था उतना करके तो हमने इसको डाल दिया।
और जितने हम ले रहे हैं ना चीनी की क्वांटिटी, उतनी ही हमने ऑयल की लेनी है, उतनी ही मैदे की लेनी है और उतने ही अंडे लेने हैं। सारी चीज़ों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, फिर आपका केक बहुत परफेक्ट बनता है। ये एक टिप है। तो खैर देखिए, ये है ओवन और इसको हमने ऑन कर देना है प्री हीट होने के लिए। 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। ये कुकिंग रेंज है, गैस पे चल रहा है। गैस आ चुकी थी, शाम का टाइम था और बाजी ने कुकिंग गैस को ऑन कर दिया। ओवन का जहाँ बटन होता है ना, बस उसको ऑन कर देना। 150 पे ना हमने 15 मिनट के लिए बेक होने के लिए, सॉरी प्री हीट होने के लिए रख दिया है। तो खैर उतनी देर में हमने कहा कि मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो चीनी के अंदर बाजी ने ऑयल शामिल कर दिया। आप बीट करें और अंडा थोड़ा थोड़ा करके ना डालते जाएंगे। सबसे पहले आपने चीनी डाल लेनी है, फिर उसके अंदर ऑयल डाल लेना है, उसको मिक्स कर लेना है चीनी और ऑयल को। और 4 अंडे हमने यूज़ किए हैं क्योंकि एक अंडा जो है ना वो 51 ग्राम का होता है, तो चारों को मिला के ना 210 ग्राम ही बन रहा था। तो खैर अभी पीसी इसको ना अच्छे से ग्राइंड करेंगे, यानी कि मिक्स करेंगे, मिक्सचर बनाएंगे इसका। बहुत अच्छे से मिक्सचर इसका बनेगा ना, जितना अच्छा बीट होगा उतना ही केक जो है ना आपका फूलेगा भी, फ्लफी भी बनेगा। तो चले उतनी देर में आप वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने लाइक नहीं किया तो। खैर यहाँ पे हम वनीला एसेंस भी डाल देंगे, 1-2 ड्रॉप्स ही डालने होते हैं। और बाजी के किचन में थोड़ी सी आज मक्खियाँ भी हैं, क्योंकि आपने मक्खियों को बिल्कुल इग्नोर करना है, बैड कमेंट्स नहीं करने कि मक्खियाँ हैं किचन में। एक्चुअली सेहन ओपन है ना, थोड़ी बहुत आ जाती हैं बाहर से, तो इसलिए इसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो बेकिंग पाउडर है वो हमने लिया था 5 ग्राम बाजी ने लिया था, क्योंकि 5 ग्राम बेकिंग पाउडर यानी 1 टीस्पून के करीब ही बनता था। और मैदे के अंदर डाल के ना इसको छान लिया। मैदा भी हमने 210 ग्राम ही लेना है। तो मैदे को छान लिया और इसको ना क्लॉकवाइज ही हमने घुमाना है। आप चाहे एंटी क्लॉक घुमा लें, चाहे क्लॉकवाइज घुमा लें, और इसको ऐसे ही घुमाते जाना। आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक नहीं करना, एक ही साइड पर आपने घुमाते जाना मिक्सचर को, और मिक्सचर आपका तैयार हो जाएगा। फिर आपने मैदा डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, बीटर से बस आप स्पैचुला से ही मिक्स कर लीजिएगा। फिर हमने बटर पेपर लगा लिए थे मोल्ड के अंदर और अभी हम बैटर डाल रहे हैं इसके अंदर। हाफ बैटर हमने इसके अंदर डाल दिया था, एक छोटा केक था और एक बड़ा केक था, और हाफ दूसरे वाले में डाल दिया था। और उतनी देर में हमारा कुकिंग रेंज जो था वो ओवन हमारा प्री हीट हो गया था। 150 पे हमने 15 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिया था और अभी हम केक रख देंगे इसके अंदर। तो आई एम श्योर आज का व्लॉग आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट मैंने बनाया है और कुकिंग रेंज के अंदर आपको केक बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो ओवन का ये बटन है, बस इतना सिंपल है इसको चलाना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये ओवन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, आपने ऑन करके नीचे इसका बर्नर बना होता है, वहाँ पे गैस चला देनी होती है बस, और तो कोई काम नहीं है इसमें, कोई मुश्किल ट्रिक नहीं है। आप लोग कहते हैं ना कुकिंग रेंज में हमें सिखाएं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि कोई मुश्किल नहीं है। तो खैर 45 मिनट में केक जो है ना हमारा यहाँ पे बेक हो गया था, तकरीबन ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट में ना ये बेक हो जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे से खूबसूरत सा कलर भी आया और तैयार भी इतना फ्लफी, इतना ज़बरदस्त बना है। इसको बीट आपने बहुत अच्छे तरीके से करना होता है, जितना अच्छा बीट होगा उतना ही अच्छा केक आपका बनेगा और फ्लफी सा बनेगा। ये देखिए कितना खूबसूरत बीट हुआ है, बेक हुआ है। तो बस इसको ठंडा करके हम निकाल लेंगे। इसको निकाल लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था, जाली के ऊपर रखेंगे और फिर इसकी कटिंग करके डिश आउट करेंगे। तो मैं बाजी को कह रही थी हमें जल्दी जल्दी दे दें खाने के लिए, क्योंकि हमने घर वापस भी जाना था और रात के तकरीबन इस वक्त जो है वो 9 बजने वाले थे, क्योंकि गैस आई थी 5:30-6 बजे और हमने 7 बजे केक बनाना शुरू किया, 8 बजे हमने उसके ओवन के अंदर रख दिया था तकरीबन, और वो होते होते तकरीबन 9 बज गए थे। तो ये देखिए माशाल्लाह से केक कितना ज़बरदस्त बना है, फ्लफी सा और बिल्कुल बाज़ार जैसा लग रहा है। और इसको टी केक कहते हैं, आप मेहमानों के लिए ना चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है और फ्लफी सा बनता है। बच्चों को बना के दे सकते हैं, इसके अलावा घर में भी खा सकते हैं अगर नाश्ते में चाय के साथ, बड़ा अच्छा लगता है, ज़बरदस्त। तो आई एम श्योर आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बस आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि मैदा, चीनी, ऑयल और अंडे, ये चारों चीज़ों की क्वांटिटी सेम लेनी है, चाहे आप कप की मेजरमेंट ले लें, चाहे आप स्केल के साथ ग्राम्स में ले लें, चाहे जो भी है, बस ये चारों क्वांटिटी आप सेम रख के बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपका केक बहुत अच्छा बनेगा, फ्लफी सा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। देखा कुकिंग रेंज के अंदर कितनी अच्छी बेकिंग होती है। और मैं तो वहाँ इसलिए बेकिंग नहीं करती थी कुकिंग रेंज में, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास गैस जो है ना वो बहुत कम आती थी, जिसकी वजह से बेकिंग नहीं हो पाती थी, तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक रखा हुआ था। तो खैर हम लोगों ने केक शेक खाया और फिर हम घर वापस आ गए थे रात के 9 बजे। तो बस हम घर वापस आ गए थे और उसके बाद मेरी कुकिंग चैनल की आज शूटिंग थी, मैंने वीडियो लाजमी डालनी थी। आपको पता मैं एक दिन छोड़ के आलियम बशर फूड्स पे लाजमी वीडियो डालती हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखा करें, लाइक शेयर किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, इतनी मेहनत से बनाती हूँ। और आज मैंने सोचा मैं आपको ना बिहाइंड द सीन भी दिखाती हूँ कि वीडियो बनाते हुए मुझसे कितनी गलतियाँ होती हैं और मुझे इतनी हंसी आती है जब मैं बाद में देखती हूँ। तो मैंने कहा चलें आप भी इन्जॉय करेंगे कि मैं कैसे वीडियो बनाती हूँ और मेरी शूटिंग में मेरी क्या हालत होती है। मैं पता नहीं क्या क्या बोल जाती हूँ, फिर सही बनाती हूँ, दोबारा बनाती हूँ, मतलब बहुत मेहनत होती है इस काम में।
तो आप लोग भी इंजॉय करें बिहाइंड द सीन। अस्सलाम वालेकुम जी, तो आज मैं आप लोगों के साथ गर्मियों के तोड़ की शरबत की रेसिपी शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी। जनाब फालसे का शरबत बनाएंगे जो कि गर्मियों का तोड़ भी है और हेल्दी भी है। तो चलिए फिर इसको जी आज आप लोगों के साथ गर्मियों के तोड़ की शरबत की रेसिपी और बहुत मजा भी बनता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए जनाब कितना मजेदार सा हेल्दी सी ड्रिंक हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए जनाब हमारी हेल्दी सी ड्रिंक तैयार हो चुकी है, बहुत मजेदार टेस्टी बनाया, ट्राई करके आपको बताती हूँ। बहुत ज्यादा मजा बना है, तो मजा भी दूसरा फ्रेशिंग भी है और बहुत अच्छा गर्मी में इस्तेमाल लाजमी किया जाएगा, गर्मी को भी दूर करता है। तो आज वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आई एम श्योर आपने बिहाइंड द सीन के जो मेरे कारनामे हैं वो भी इंजॉय किए होंगे। तो मैं कभी कभी शेयर किया करूंगी, तो ये जो जो मेरी मिस्टेक्स होती हैं वीडियो बनाते हुए ना, वो भी मैं आपको कभी कभी दिखाया करूँगी। बहुत सारी मिस्टेक होती हैं, आपको जो वीडियो देख रहे होते हैं ना आप लोग, वो बहुत एडिटिंग के बाद आप लोग देख रहे होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट वीडियो होती है। लेकिन मेरे साथ बहुत ब्लंडर होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं करती। तो खैर मैं कभी कभी शेयर किया करूँगी ताकि आप लोग भी इंजॉय कर लें। अच्छा खैर, ये बिहा ने न्यू हाउस बनाया था अपनी कैटी का, और आज सैटरडे का दिन है। आज मेरे अब्बू जी भी आ रहे हैं लाहौर से, क्योंकि मेरी फूफो के ना रिलेटिव हैं, उनकी ना डेथ हो गई थी, तो अब्बू अफसोस के लिए आ रहे हैं और आज मेरे पास रुकेंगे। और अब्बू के लिए आज मैंने खाना शाना बनाना है, देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ, अब्बू की पसंद का मैं सोच रही हूँ आज खाना बनाऊँगी। और रात अब्बू मेरे पास ही रुकेंगे, सुबह फिर इधर से जाएँगे फूफो के पास। तो फिर मैंने अब्बू को मैंने कहना कि दो चार दिन मेरे पास रह लें, क्योंकि वो ना पहली दफ़ा आ रहे हैं मेरे पास, और वैसे भी उनको ना ये वाला इलाके से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि वो भी इसी इलाके के हैं ना मेरे अब्बू भी, तो उनको लाहौर इतना पसंद नहीं है। तो मैंने कहा अब्बू से कहूँगी कि चले आए तो हैं, अब मेरे पास रह के जाइएगा। अच्छा खैर, तो मैंने जैसा कि आपके साथ शेयर किया था कि मैं आज आपके साथ एक ट्रेजिक स्टोरी शेयर करूँगी, मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगी, बस छोटी सी स्टोरी ही आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग फुल वॉच कर लीजिएगा, ये ना हो कि छोड़ के चले जाएँ। बहुत ट्रेजिक स्टोरी है, हो सकता है इससे आपको भी फ़ायदा हो सके, और वो आगे जा कर मैं आपको बताऊँगी इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। तो खैर स्टोरी ये है कि मेरी एक सिस्टर बनी हुई है यूट्यूब पर, और मेरी बड़ी बहन की तरह हमारे काफ़ी अच्छे फैमिली टर्म्स भी हैं, और मुलाकात भी हुई थी मेरी उनसे, और फ़ोन पर भी हमारी बातचीत होती रहती है। ये इधर बुरेवाला की रहने वाली हैं वो। अच्छा खैर, बात ये थी कि वो ना काफ़ी रख रखाव महज़ब ख़तून है, रख रखाव वाली हैं, और काफ़ी बड़ा उनका बिज़नेस था सऊदीया में, और काफ़ी मसलन ये कि अपनी जो उनका जहां वो रहते थे, यानी कि अपने गांव में या शहर सिटी में जो जहां भी वो रहते थे, वहां वो काफ़ी रख रखाव वाले थे, मतलब एलीट क्लास में वो आते थे, और उन्होंने ना बहुत सारे लोगों के अखराजात भी वो उठाते थे, जैसे गरीब लोगों की पढ़ाई के अखराजात उठा दिए, या किसी गरीब बच्चियों की शादियाँ वो करवा देते होते थे, इस तरह के काम, मतलब फलाह बहबूद अल्लाह ताला की रज़ा के खातिर ना वो काम किया करती थी, उन्होंने मुझे बताया। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको पढ़ाया लिखाया उन्होंने, बच्चियों की शादियां की, इसके अलावा गरीब लोगों की भी काफ़ी मदद वो किया करते थे, क्योंकि उनका ना काफ़ी बड़ा बिजनेस था बाहर, उनके शोहर का बिज़नेस था सऊदीया में, कोई 8-10 करोड़ का बिज़नेस था उनका। तो फिर अचानक ये हुआ कि उनके हस्बैंड की ना तबीयत ख़राब रहना शुरू हो गई, उनको 2-3 दफ़ा फालिज का अटैक हुआ, जिसकी वजह से उनको अपना सारा बिज़नेस वाइंड अप करके पाकिस्तान आना पड़ा। तो उनके ऊपर अचानक से क्राइसिस आ गए, मतलब उनके हालात बिल्कुल बिगड़ गए, जैसे कि पहले थे, पहले बिल्कुल भी वैसे नहीं रहे। इसके अलावा उनकी 4 बेटियां माशाल्लाह से और एक बेटा है, एक बेटा था लेकिन बेटे की भी डेथ होगी, जिसकी वजह से वो हमारी सिस्टर जो है ना काफ़ी डिप्रेशन में भी चली गई हैं। तो लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी रियल लाइफ में वापस आई हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्राइसिस आए, तो फिर वो इतनी परेशान रहने लगी, डिप्रेशन का शिकार हुई काफ़ी अर्सा, कि उनका बिज़नेस भी चला गया, उनके बेटे की भी डेथ होगी, फिर इसके अलावा उन्होंने जो लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम शुरू किए थे वो भी ख़त्म होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो पे नहीं कर सकते थे, बच्चियों की शादियाँ नहीं करवा सकते थे, लोग उनके साथ जो जुड़े हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब दूर होना शुरू हो गए, तो वो बहुत परेशान रहने लगी। फिर उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला कि मैं यूट्यूब चैनल बनाती, इससे जो अर्निंग आएगी ना उसका 50% मैं इन लोगों के ऊपर खर्च करूंगी। तो सवाब की गर्ज से उन्होंने ये चैनल बनाया, ताकि वो उनसे जो पेमेंट आएगी तो वो उन लोगों को पे करेंगी जिनको वो पहले कर रहे थे, क्योंकि लोग उनसे बहुत ज़्यादा खुश थे और लोग उनके पास भी आते थे, गरीब लोग भी उनके पास आते थे, वो लोगों का बहुत ज़्यादा किया करते थे वो लोग। तो खैर मुख्तसर ये कि मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना कि थोड़ा सा सवाब कमा लें, या अल्लाह की रज़ा के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप उनके चैनल को आगे शेयर करें, उनकी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें उनके चैनल को, उनके चैनल का नाम है लाइफ विद उम्मे नईम। और आप ये बिल्कुल भी ना सोचना कि मैंने उनसे पेड प्रमोशन कर दिया है या मैंने उनसे पैसे लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो अब पेड प्रमोशन करती नहीं हूँ, सिर्फ ब्रांड्स की होती है, कभी कभार कर देती हूँ, वैसे मैं नहीं करती। चैनल्स की तो मैंने बिल्कुल छोड़ी हुई, अगर किसी की करती भी हूँ तो वो फ्री में करती हूँ,
अलबत्ता मैं करती नहीं हूँ, आप लोगों को पता मैंने शाउट आउट भी देना छोड़ दिया, ना मैं अपनी फैमिली वालों को देती हूँ ना बाहर वालों को, सिर्फ अपनी सिस्टर है उसको थोड़ा बहुत प्रमोट करती रहती हूँ क्योंकि वो काफ़ी अरसे से लगी हुई हैं। तो खैर आप लोगों को यही कहूँगी कि मेहनत करें, मेहनत करें और मेहनत करके आप आगे आ सकते हैं। तो खैर बात मैं कर रही थी लाइफ विद उम्मे नईम चैनल की, तो आपने उनके चैनल को ज़रूर आगे शेयर करना है, उनकी वीडियोस को ज़रूर देखना है क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत अच्छे ही वीडियोस बनाती हैं और ऐसी ऐसी रेसिपीज वो बनाती हैं जो कि आपने यूट्यूब पे कभी देखी नहीं होंगी, इतनी अच्छी चीज़ें वो बनाती हैं। तो ये सिर्फ वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रही हैं, उन लोगों की हेल्प के लिए कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उनके चैनल को आगे शेयर करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, लाइफ विद उम्मे नईम चैनल का नाम है। तो आपने ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना है, आगे शेयर करना है, अपने रिश्तेदारों को बताना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके, इससे आपको भी फायदा होगा। आप सोचें कि अगर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब कर लेंगे या आगे शेयर कर देंगे इससे उनके चैनल को ग्रो हो जाएगा, फिर पेमेंट आना शुरू होगी, लोगों को पैसे मिलेंगे, गरीब लोगों की मदद होगी, तो इससे आपको कितना सवाब होगा। सिर्फ सवाब की गर्ज से आपने मेरी बात माननी है और चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो यही था आज का व्लॉग, आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।